गाइस ये देखो, हमारे यहाँ पे बिगल बैठा है। उसके सामने एक बिल्ली की छोटी सी बच्ची आ गई है और वो कितने प्यार से उसको देख रहा है। वहाँ तक वो इजीली पहुँच सकता है, उसके रीच में ही है, वो आराम से उसको पकड़ सकता है, उसको हार्म कर सकता है, लेकिन वो आराम से बैठ करके उसको देख रहा है। बेचारी, ये लोग भी फुलागा से डरे हुए हैं और ये लोग समझ रहे हैं कि बेचारी बिल्ली भी डरी हुई है, इसलिए वो आराम से उसको बैठे रहने दे रहा है। देखिए, रॉट वाले भी उसको आराम से प्यार से देख रहा है, थोड़ा सा ही भौंक भी नहीं रहे लोग, और आराम से बीगल के सामने बैठा हुआ है ये प्यारा सा बिल्ली, और ये कुछ नहीं कर रहा। आराम से बीगल भी उसको देख रहा है, वो भी उसको देख रही है और हार्म नहीं पहुँचा है। आराम से देखिए गाइस, कैसी है बिल्ली, आराम से बैठ के इसको देख रही है। ये देखिए गाइस, बिल्ली है और यहाँ पे बीगल के रीच में है, फिर भी आराम से दोनों बैठ करके बस देख रहे हैं एक दूसरे को। ऐसा आपको कहीं और देखने के लिए नहीं मिलेगा, बिल्ली और डॉग साथ में। और ये बिल्ली साथ ये पहले बार ये लोग मिले हैं। देख कैसे बैठे हुए आराम से। और रॉट वाइलर भी पीछे है, वो भी आराम से उसको देख रहा है, उस पर भौंक नहीं रहा। और पीछे हमारी सिटजू भी है उधर, वो भी सिटजू भी आराम से बैठ करके देख रही है, वो भी भौंक वौक एक बार भी नहीं रही है। देखिए कैसे आराम से बैठा हुआ है, बिगल कुछ नहीं कर रहा है, बिगल के पूरा वो कॉन्टेक्ट में, आराम से उसको बिगल ही पकड़ सकता है या कुछ भी कर सकता है। लोग बोलते हैं डॉग और बिल्ली का 36 का आंकड़ा चलता है, एक दूसरे से बहुत दूर दूर सब रहते हैं। लेकिन देखिए, मैं भी इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए इसके मैं ज़्यादा पास नहीं जा रहा हूँ। आपको मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ कि ये देखिए जिंदा बिल्ली है और यहाँ पे हमारा बीगल है। ये कितनी प्यार से बैठी हुई है वो भी, और बीगल से वो डर भी नहीं रही। देखो, वो डॉग है, वो बिल्ली है, पहली बार ये लोग मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये लोग पहले से जानते हैं, एक दूसरे से मिल चुके हैं, आज पहली बार मैं देख रहा हूँ इन लोगों को ऐसे साथ में। और रॉट वाइलर देखिए कितना प्यार से बैठ कर देख रहा हूँ। आप सिटजू को भी देख सकते हो, सिटजू भी बैठ करके देख रही है, उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सिटजू भी आराम से बैठ करके देख रही है और ये भी लोग आराम से बैठा हुआ। आप देख सकते हो बिल्ली अपने मन से बैठी हुई है, उसको इन लोगों ने कोई हार्म नहीं पहुँचा रखा। इसे बोलते हैं गाइज डॉग का दिमाग और ट्रेनिंग। आप लोग देख सकते हो इतने में दूसरे डॉग्स रहते तो कब का अटैक कर चुके होते हैं, लेकिन ये देखिए कुछ नहीं कर रहे उस पर, आराम से उसके पास बैठे हुए हैं। बिगल खेलना चाह रहा है, बिगल उसके पास जाके उसके साथ खेलना चाह रहा है, बट अटैक बिल्कुल नहीं करना चाह रहा। अटैक करना चाहता तो तक अटैक कर देता वो। ये देखिए, अब रॉटवाइलर अब गुस्सा हुआ गाइस। बिल्ली अभी भी बैठी हुई है आराम से। बिल्ली इतनी छोटी सी है, फिर उसको डर नहीं लग रहा। गोल्डी नो हम है नो, गोल्डी बैठ जाओ। देखिए अब रॉट वाले उस पर गुस्सा हुआ थोड़ा सा, और ये बिल्ली अभी भी नहीं डर रही है गोल्डी के भौंकने के बावजूद। वो आराम से बैठी हुई जैसे कि उसी का वो जगह हो, पूरा कब्जा जमा करके बैठी हुई है यहाँ पे ये। और बिगल अपना थोड़ा सा फूड उसका रखा हुआ था, सारा वो खा रही है। रॉट वाइलर पूरा गुस्सा में आते हुए कि हटे मेरे दोस्त का जगह है, वो हट जा। रॉट वाइलर पूरा गुस्सा में आ रहा है और फटाके से ये बिल्ली भी डरी हुई है, लेकिन इसके पास आकर के आराम से बैठ गई है। कहीं आपको ऐसा कहीं देखने के लिए मिलेगा ही नहीं कि बिल्ली, अनजान बिल्ली ऐसे अनजान बिल्ली के साथ में ऐसे आराम से है। ये देखिए बिल्ली हिल भी रही है, उसको सब चीज पता भी है। बिल्ली पूरे होशो हवास में बैठी हुई है वो भी डॉग के सामने, और डॉग के पूरा पूरी रीच में, ये नहीं कि उससे दूर। देख सकते हो आप, वहाँ तक वो आराम से पहुँच सकता है हमारा बिगल। हमारा बिगल ही दूर जाके बैठ गया कि आराम से बैठो तुम भी, छोटी सी प्यारी सी बच्ची इसको समझ रहा है। और यहाँ पे डॉग्स डॉग्स पे अटैक कर देते हैं अननोन पे, और यहाँ डॉग्स कैट पे भी मेरी अटैक नहीं कर रही है, बहुत प्यारी है। ऐसे दूसरे कोई जाता है बाहर से तो उस पर भौंकेगी या चिल्लाएगी, लेकिन पास है तो कुछ भी हार्म नहीं कर रही है उसको। आप देख सकते हो कैसे प्यार से बैठी हुई है एकदम।
मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि अगर डॉग्स तो मेरे हार्म इसको नहीं करेंगे, लेकिन अगर गलती से अगर उसको लगा बिल्ली को कि ये डॉग मुझे काटने आ रहा है या उस चक्कर में इसने अटैक कर दिया तो इशू हो जाएगा, क्योंकि मैं डॉग्स को तो रेबीज का इंजेक्शन लगा हुआ है बट बिल्ली से इन्फेक्शन हो जाएगा इन लोगों को। हट हट जा चल आ जा। और ये चली गई और ये बीगल अब इसको खोज रहा है और अब सिट्जू उसके लिए देख रही है। देखिए गाइस सिट्जू कैसे देख रही है उसको, अब सिट्जू उसके लिए खोज रही है उसको कहाँ चला गया। ये देखिए गाइस सिट्जू कैसे कूद कूद करके खोज रही है उसको। चला गया परी, वो चला गया, भगा दिया मैंने उसको। गाइस मैंने इसीलिए भगा दिया क्योंकि अगर बिगल मान लो अगर गलती से उसके पास चला जाओ, उसको लगे उस बच्चे को कि हार्म कर रहा है, या उस किटन की मम्मी आ जाती तो उसकी मम्मी को लगता है कि मेरा पपी उसकी किटन खतरे में है। और ये देखिए परी कैसे चढ़ के उसको देख रही है कहाँ चली गई वो। तब से आराम से बैठ के तीनों उसको देख रहे थे, वॉच कर रहे थे प्यार से। देखिए उसको खोज रही है परी भी। ये देख परी की चिंता है उसके लिए। गाइस तो उसको मैंने जानबूझ के यहाँ से हटा दिया है कि कहीं गलती से ही वो एक दूसरे को हार्म ना कर बैठे। तो वो भी पंजा वंजा मार देती तो मेरे डॉग को इन्फेक्शन हो जाता और उसका भी जान खतरे में था। मान लीजिए गलती से ये भी अटैक कर देता। बीगल वैसे भी हंटिंग डॉग होते हैं, रॉटवाइलर ऐसे ही डेंजरस होते हैं, इसलिए मैंने। अच्छा गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए। टाटा बाय बाय।